प्रधानमंत्री मोदी आज अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अलीगढ़ और हाथरस के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए आज प्रचार करते प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देंगे। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। करीब दोपहर 2 बजे बताया जा रहा है कि अलीगढ़ पहुंचेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर करीब 2:40 पर जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद रहने वाले हैं। करीब 1 घंटा 5 मिनट प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में अलीगढ़ में 26 अप्रैल को मतदान होना है और इसी को लेकर अब चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में। और राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में माओवादी की सोच को उतारने की कोशिश की गई है। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और बीएसपी मुखिया मायावती आज बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दोपहर करीब 12 बजे बीएसपी अध्यक्ष मायावती सिकंदराबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी और बुलंदशहर लोकसभा प्रत्याशी गिरीश जाटव के पक्ष में वोट मांगते दिखाई देंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदराबाद में ये जनसभा होनी है तो मायावती भी अब धीरे धीरे प्रचार में जुट गई हैं, जनसभाएं कर रही हैं और आज सिकंदराबाद में चुनावी जनसभा मायावती की हो रही है जिसका संबोधित करेंगे मायावती। यहां वो गौतम बुद्ध नगर के लोकसभा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी और बुलंदशहर लोकसभा प्रत्याशी गिरीश जाटव के पक्ष में वोट मांगती दिखाई देंगी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के सिकंदराबाद में ये जनसभा होनी है। तो इस बार बीएसपी ने भी बड़े समीकरण बिठाते हुए अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अब प्रचार में एक्टिव दिखाई दे रही है मायावती और मायावती की आज जनसभा भी होने वाली है। और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मेरठ में रील लाइफ के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल आज रोड शो करने वाले हैं। रोड शो दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। मेरठ में रील लाइफ के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को आज आप रोड शो करते देखेंगे। रोड शो में सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी भी रोड शो में उनके साथ शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की इनकी तरफ से भी अपील होगी।
दोपहर 3:30 बजे मनसा देवी मंदिर से रोड शो की शुरुआत होगी। मेरठ लोकसभा सीट के लिए दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। मेरठ सीट से रियल लाइफ के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आज उनका रोड शो होने वाला है। और रांची में इंडिया गठबंधन की रैली हुई जिसमें अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के बड़े बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन इस रैली में अंदरूनी घमासान खुलकर सामने आ गया। एक तरफ गठबंधन में पहले प्रधानमंत्री फेस की लड़ाई दिखी तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की रांची रैली में हंगामा शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं में झड़प हुई, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई और फिर लाठी डंडों से भी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, यानी कि जिस मंच से मोदी के खिलाफ जुबानी होने थे उसी मंच के नीचे गठबंधन दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यह इंडिया गठबंधन की रैली है, यहां मंच पर पीएम फेस की फाइट है तो ग्राउंड पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में झड़प। करीब 25 दलों के मेल से बने इस गठबंधन का मुकाबला भले ही मोदी से हो, लेकिन सियासी महाभारत गठबंधन के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच है। पहली तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री फेस की साइलेंट लड़ाई है, दूसरी तस्वीर जिसमें इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता वायलेंट हो चुके हैं। यह टिकट वितरण को लेकर प्रत्याशियों में मतभेद दिखा जिसके बाद वे एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए। खैर, जिस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता रांची में एकजुट हुए, अब बात उसकी भी कर लेते हैं, क्योंकि यहां सबकी अपनी डफली अपना राग है। एक तरफ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी पत्नी आवाज बुलंद कर रही हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव इसी मंच से बीजेपी के सफाए की बात कर रहे हैं। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। हम लोग उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं, पहले चरण का चुनाव था जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी। उधर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी को लेकर अलग ही तकरार छिड़ गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि पीएम पद के नाम पर कांग्रेस उनकी बात समझ नहीं पाती। आगे उन्होंने कहा कि अगर राहुल पीएम बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे हैं, किसी का नाम लेना गुनाह है क्या। संजय राउत के आरोपों पर कांग्रेस की तरफ से जवाब आया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जिस नाम पर सहमति बनेगी वो मंजूर होगा। राहुल गांधी जी देश के नेता है, अगर राहुल गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन और भी चेहरे इस देश में है, और ममता जी है, अखिलेश है, उद्धव ठाकरे जी है, और बहुत चेहरे हैं ना, खरगे साहब है, तो किसी का नाम लेना गुनाह है क्या। पीएम को लेकर आखिर बीच बीच में ऐसी बातें क्यों सामने आती है, उद्धव ठाकरे को लेकर नाम लिया जाता है, क्यों लगती है। इलेक्शन होता है तो ऐसी बातें आती रहती है ना, लेकिन उस पर नहीं जाना चाहिए, जो बैठ के अग्री करते हैं उस पर जाना चाहिए। मतलब साफ है, इंडिया गठबंधन में जमीन से लेकर मंच तक लड़ाई छिड़ी है, पीएम फेस की, टिकट बंटवारे की और चेहरा चमकाने की, और इन सब के बीच तमाम नेता बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं और गारंटी को जुमला बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि के मामले में आज सुनवाई होनी है। साल 2018 से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है।
बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। 4 अगस्त 2018 को मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में राहुल गांधी जमानत पर है और आज इसी मामले पर सुनवाई होगी। सुल्तानपुर कोर्ट में आज राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुनवाई होने वाली है। अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी और इसी को लेकर ये मामला है। आज मानहानि मामले में उन पर उनको लेकर सुनवाई होनी है।